हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चावल और दाल की बहुत ही सुपर सॉफ्ट फ्लफी इडली की रेसिपी, जो कि टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। पिछले वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो इस वीडियो में मैं सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एक एक चीज बहुत ही डिटेल में शेयर करूंगी और साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे इडली के बैटर के बारे में। परफेक्ट बैटर बनाने के लिए परफेक्ट फर्मेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। सारी टिप्स और ट्रिक्स पूरी तरह से शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर सॉफ्ट हेल्दी इडली की रेसिपी को बनाना। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना एक मेजरिंग कप। आप चाहे तो मेजरिंग ग्लास ले सकते हैं, कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उसी से मेजर करें, क्योंकि परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। मेजरिंग कप से हम यहाँ पे सबसे पहले 3 कप चावल लेंगे। अब हम यहाँ पे साथ ही बात करते हैं कि हमें चावल कैसे लेने हैं। तो जो भी हम रेगुलर राइस घर में इस्तेमाल करते हैं, उस राइस का हमें इस्तेमाल इडली बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। इडली बनाने के लिए एक अलग से चावल आती है, जो कि रेगुलर राइस से हल्की होती है, सस्ती होती है। आपको किसी भी किराने शॉप में ये चावल बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अगर आप रेगुलर राइस से इडली बना लेते हैं तो इडली बन तो जाएगी, बट आपको इडली वाली फील नहीं आएगी। तो बाजार वाली इडली का अगर टेस्ट लेना है तो आपको इडली वाली चावल का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे दाल। दाल हमें उड़द की दाल लेनी है। 3 कप चावल के लिए हमें 1 कप उड़द की दाल लेनी है। जो रेशियो रहेगा वो 3:1 का रहेगा। उड़द की दाल से इडली में अच्छी पकड़ आती है, अच्छी बाइंडिंग मिलती है, इसलिए हम इडली बनाने में उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं। और दाल को भी हम यहाँ पे सेम मेजरिंग कप से मेजर करके लेंगे। अब हमें यहाँ पे दाल और चावल को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है। 3-4 पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले, जिससे दाल और चावल में जितने भी डस्ट है वो अच्छी तरह से धुल जाए। चावल को हमने यहाँ पे 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसी तरह से हम दाल को भी यहाँ पे 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम दाल और चावल में पानी डालकर इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल और चावल हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, जिससे दाल और चावल को हमें पीसने में आसानी होगी। तो दाल और चावल को हम ढककर इसे 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम देखिए दाल और चावल को चेक करते हैं। तो देखिए दाल और चावल जो काफी अच्छी तरह से हमारी फूल गई है। तो देखिए चावल कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। जब इसे आप हाथ में लेके इस तरह से दबाएंगे तो देखिए चावल कितनी इजिली टूटेगी। और उसी तरीके से जो दाल है वो भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। तो इसे भी चेक कर लीजिए, हाथ से दबा लीजिए, देखिए कितनी इजिली ये जो दाल है वो भी टूट रही है। अब हम मिक्सी जार में सबसे पहले चावल को पीसेंगे। तो मिक्सी जार में हम सबसे पहले चावल लेंगे, उसके बाद हमें चावल को पीसना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि चावल का हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है। चावल को हमें यहाँ पे हल्का दरदरा रखना है, जिससे इडली अंदर से काफी जालीदार बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमें चावल को हल्का दरदरा रखना है। तो सारे चावल को हम पीसकर एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे। चावल को पीसते वक्त आपको लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना जो हमारी बैटर है वो पतली हो जाएगी। हमने यहाँ पे सारे चावल को पीस के देखिए तैयार कर लिया है। अब बारी आती है दाल की, तो दाल को भी हम मिक्सी जार में ले लेंगे। साथ ही में यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे दाल को हमें पीसने में आसानी होगी, क्योंकि दाल को हमें यहाँ पे पूरी तरह से अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दाल को एकदम पूरी तरह से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। दाल को हमें यहाँ बिल्कुल भी दरदरा नहीं पीसना है, एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार करके हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम चावल के साथ ही दाल को भी साथ ही साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे दाल को पीस के चावल के साथ ले लिया है। इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हमें यहाँ पे दाल और चावल को मिक्स करना है। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कर ले, आप चाहे तो किसी भी बड़े स्पून से मिक्स कर ले, लेकिन जो दाल और चावल को जो मिक्स करने का जो सही तरीका है, उसे हम एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाते हुए मिक्स करना है। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मिक्स कर ले, चाहे तो आप क्लॉकवाइज इस्तेमाल कर ले, चाहे एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल कर ले, लेकिन एक ही डायरेक्शन में इसे अब हमें मिक्स करना है।
तो देखिए हमने यहाँ पे दाल और चावल को काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे हमने इतने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह दिख रहा है। आप इसे जितने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतनी अच्छी तरीके से बैटर जो है फर्मेंट होगी। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और थोड़ा बड़ा बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब बैटर फर्मेंट होगी ना तो जो बर्तन है वो पूरी तरह से भर जाएगा। अब इसे हम ढककर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगी। अगर आपको दिन में इडली बनानी है तो ये सब प्रोसेस को आप रात में ही कर लें, और अगर आपको रात में इडली बनानी है तो ये सब प्रोसेस को आप दिन में ही कर लें। तो देखिए मैंने इसे रात भर के लिए करीबन 10 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और 10 घंटे में आप देख सकते हैं कि बैटर काफ़ी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गई है। आप देख सकते हैं जो बर्तन है वो आधा था और ये बर्तन जो है पूरी तरह से भर गया है, क्योंकि फर्मेंट होता है तो बैटर अच्छी तरह से फूल जाती है। अब इसे हम अच्छी तरीके से वापस से मिक्स करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमने पहले से मिक्स किया था ना, उसी डायरेक्शन में हमें इसे वापस से मिक्स करना है। बैटर को पहले हमने क्लॉकवाइज मिक्स किया था, तो अभी भी हम इसे क्लॉकवाइज ही मिक्स करेंगे, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से फेंटना है। तो मैंने यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए देखिए बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है, और देखिए बैटर अभी हमारा बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। थोड़ी सी हम पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे बैटर हमारा अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, और इसे हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बैटर को लाना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे। 3 से 4 चुटकी हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच पानी डालेंगे बेकिंग सोडा के ऊपर, जिससे बेकिंग सोडा हमारा अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा और जो बैटर है उसमें अच्छी तरह से मिक्स होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम बैटर के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो बस इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने यहाँ पे इडली प्लेट ले लिया है, तो इडली प्लेट में हम तेल डालकर इडली प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे इडली हमारी प्लेट में चिपकेगी नहीं। अब हम थोड़े थोड़े बैटर करके इडली के मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड को हमें पूरी तरह से फिल नहीं करना है, थोड़ा हमें स्पेस रखना है, ताकि जब इडली फूलेगी तो उसे फूलने के लिए भी स्पेस चाहिए। टैप करके हम प्लेट को सेट कर लेंगे। तो सभी इडली मोल्ड को हमने इसी तरह से भर लिया है। तो अब चलते किचन की तरफ। तो यहाँ पे हमने इडली बनाने का बर्तन लिया है, इसमें हमने करीबन 2 ग्लास पानी को डाला हुआ है। इसमें हम सभी इडली प्लेट को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ढककर इसे हम 12 से 13 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 6 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे, बाकी के 6 मिनट हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अब हम ढक्कन को हटाकर इडली को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इडली काफी अच्छी तरह से फूल गई है। टूथपिक या फिर नाइफ की सहायता से हम इडली को चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम ही क्लीन है, इसका मतलब इडली हमारी अच्छी तरह से पक गई है। सभी इडली प्लेट को हम बाहर करके ठंडा कर लेंगे, जिससे इडली बहुत ही इजिली डीमोल्ड हो जाएगी। इडली प्लेट हमारे यहाँ ठंडी हो गई है, तो अब हम इडली को प्लेट से निकालेंगे। चाकू या फिर स्पून की सहायता से इडली इजली आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बस इसके किनारों को चारों तरफ से छुड़ा लेना है, और बहुत ही इजली देखिए इडली जो है बाहर हो जाएगी प्लेट से। तो बहुत ही इजली देखिए हमने दाल चावल की इडली को परफेक्टली कुक किया है। तो बस हम इसी तरह से सभी इडली को प्लेट से बाहर कर लेंगे। तो देखिए सभी इडलियाँ हमारी बहुत ही इजली बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इडलियाँ कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। तो ये देखिए मैं आपको हाथों में दबा के दिखा रही हूँ, कितना सुपर सॉफ्ट देखिए इडली बनकर तैयार हुई है। और इस इडली को तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी जालीदार कितनी फ्लफी इडली बनकर तैयार हुई है। इस इडली को आप सांभर के साथ चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।